हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने कार्नो इंजन की दक्षता की बात की थी और ये ज्ञात किया था कि कार्नो इंजन है वो किन किन बातों पर डिपेंड, कार्नो इंजन की दक्षता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। उसमें मुख्य बात ये निकल के आई थी कि कार्नो इंजन की दक्षता है वो T1 और T2 पर डिपेंड करती है और वो कार्यकारी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती है। उसी के अंदर अपन ने ये बात भी लिखी थी, बात बताई थी कि कार्नो इंजन की दक्षता वो अधिकतम होती है, ठीक बात ना। और उसी के अंदर अपन ने ये बात भी की थी कि कार्नो इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन है, ठीक बात ना। अब अपन बात करते हैं कार्नो परमे की बात करते हैं। कार्नो परमे जो है इसके दो भाग हैं, कितने भाग बताए मैंने, दो भाग हैं, या फिर यूं बोल सकता हूं कि इसको दो भागों में मैं बांट सकता हूं। पहला जो भाग है वो क्या कहता है आपको, पहला भाग केवल वही बात कहता है, रिपीट करता है कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि उत्क्रमणीय कार्नो इंजन जो है उसकी दक्षता अधिकतम होती है। इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक ऊष्मा इंजन है वो T1 और T2 के बीच में कार्य कर रहा है, माना कि इसकी जो दक्षता है वो ईटा1 है, और अपना कार्नो इंजन है वो भी कार्य किन के बीच में कर रहा है, T1 और T2 के बीच में कार्य कर रहा है, और इसकी जो दक्षता है वो कितनी है, ईटा2 है। तो ज़्यादा कौन सी होगी, यह हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो ये है, क्या कहता है पार्ट नंबर 2, कि समान तापों के बीच में कार्य करने वाले विभिन्न उत्क्रमणीय कार्नो इंजनों की दक्षता समान होती है चाहे उनके अंदर कार्यकारी पदार्थ कुछ भी डाल दिया जाए। तो वही कथन दोबारा रिपीट हो रहा है कि कार्यकारी पदार्थ पर ऊष्मा इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता डिपेंड नहीं करती है। यानी मैं ऐसे लिखूँ कि एक कार्नो इंजन है उसमें आपने ए पदार्थ डाल रखा है और उसकी जो दक्षता वो ईटा1 है, दूसरा कार्नो इंजन बी है उसके अंदर बी कार्यकारी पदार्थ डाल रखा है और उसकी दक्षता कितनी है, ईटा2। दोनों ही इंजन T1 और T2 के बीच में कार्य कर रहे हैं, T1 और T2 के बीच में कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। एक बार दोबारा सरल रूप से बोलता हूँ, भाग नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता समान तापों के बीच में कार्य करने वाले सभी ऊष्मा इंजनों से ज़्यादा होती है। फिर या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि उत्क्रमणीय कार्नो इंजन है उसकी दक्षता अधिकतम होती है हमेशा, ठीक बात है। इसका भाग दो है वो क्या कहता है, भाग दो ये कहता है कि समान तापों के बीच में कार्य करने वाले विभिन्न कार्नो इंजनों की दक्षता समान होती है चाहे उनके अंदर कार्यकारी पदार्थ कुछ भी डाल दिया जाए। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं प्रावस्थाओं का संतुलन। प्रावस्थाओं का संतुलन इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेज। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो एक ऊष्मा भंडार है, ये एक ऊष्मा भंडार ले लिया, फिर बाद में ये प्रावस्था का मतलब तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। जैसे अपन बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस, मुख्यतः किसी पदार्थ की तीन प्रावस्थाएं होती हैं, इन प्रावस्थाओं के बीच में संतुलन की क्या शर्त है उसकी अपन बात यहां पर करेंगे। यह ऊष्मा भंडार A- है, ऊष्मा भंडार A- है, माना कि यहां टेम्परेचर T है, या T- लिखो, और प्रेशर क्या है, P है। यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा दी, ये क्या लगा दी, पिस्टन लगा दी। यहां पर दो प्रावस्थाएं हैं, यह प्रावस्था नंबर 1 है और यह प्रावस्था नंबर 2 है, ठीक बात ना। तो देखो प्रावस्थाओं के संतुलन की जब बात करते हैं, यहां पर देखो ऊष्मा भंडार के संपर्क में है तो उनका टी और पी कम ज्यादा अपन इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर टी पी को चेंज करेंगे भी चेंज हो जाएगा अपना, ठीक बात ना। सबसे पहले जो बात आती है गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन, क्या लिखूं, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन, ऊर्जा फलन, और वो किसके बराबर होता है, जी इक्वल टू
या जी आई लिखो, जी लिखो, जी इक्वल टू दिया जाता है ई प्लस पी वी माइनस टी एस से दिया जाता है। यहाँ पर जी क्या है, दोनों प्रावस्थाओं, प्रावस्था एक और प्रावस्था दो का संयुक्त गिब्स ऊर्जा फलन है। ये क्या बताया, गिब्स ऊर्जा फलन है। टी और पी वहां बताई दिया, फिर बाद में बात आती है आयतन, वी क्या है, दोनों का आयतन, दोनों का आयतन है। अच्छा, फिर बाद में एस क्या है, एंट्रोपी, दोनों अवस्थाओं की संयुक्त एंट्रोपी, ठीक बात है ना। इसके बाद में क्या बच गया, वी आयतन कर लिया, चलिए ठीक है। ई क्या है, औसत ऊर्जा, या ई है क्या है, अपनी ऊर्जा है। ध्यान दें, जी वी एस ई ये दोनों प्रावस्थाओं की संयुक्त फलन है, जो भी हैं। जी संयुक्त गिब्स ऊर्जा फलन है, और वी दोनों का आयतन है, एस एंट्रोपी है दोनों की, और ई क्या है, ऊर्जा है। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी इक्वल टू जी वन प्लस जी टू, और ई इक्वल टू लिखा जा सकता है ई वन प्लस ई टू लिखा जा सकता है, और वी बराबर लिखा जाएगा वी वन प्लस वी टू, और एस बराबर लिखा जाएगा एस वन प्लस एस टू। सिंपल बात है कि जी है दोनों का योग है अपना, ठीक बात ना। अब आगे बात करता हूं मैं, माना कि प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन, गिब्स ऊर्जा फलन वो स्मॉल जी वन व स्मॉल जी टू है, ठीक बात है। और जो प्रावस्था एक के अंदर, प्रावस्था एक में अणुओं की संख्या एन वन है, और प्रावस्था दो में अणुओं की संख्या कितनी है, एन टू है। तो कैपिटल जी वन क्या लिखा जाएगा, कैपिटल जी वन लिखा जाएगा आपका जी वन इंटू एन वन। भाई एक अणु की जीवन है तो टोटल कितनी हो जाएगी, जीवन एन वन हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं जी टू इक्वल टू लिखा जाएगा जी टू और एन टू। फिर आगे अपन बात करते हैं कि टोटल जी कितना हो जाएगा, गिब्स ऊर्जा फलन जी बराबर, थोड़ी देर पहले लिखा आपने जी वन प्लस जी टू, वैल्यू पुट करता हूं तो यह आ जाएगा जी वन एन वन और प्लस जी टू एन टू। ये कोई इक्वेशन नंबर ए दे दिया मैंने। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, जी स्मॉल जी वन जो है वो प्रति अणु है, या फिर जी स्मॉल जी टू है वो भी क्या है, प्रति अणु है। तो स्मॉल जी वन और जी टू का जो मान है वो एन वन एन टू पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक एक अणु की संख्या को शो करते हैं, ठीक बात ना। जीवन स्मॉल जी वन और स्मॉल जी टू का जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पी और टी पर डिपेंड करता है, ठीक बात ना। फिर देखो आगे बात करते हैं, जैसे टॉपिक में भी लिखा प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए, पहले प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए कैपिटल जी का मान है वो मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अपन मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन से जानते हैं कि अगर जी मिनिमम है तो डीजी या डेल जी का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डीजी का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कैपिटल जी का मान रखूं तो जी इक्वल टू आपका आ जाएगा जी वन एन वन और प्लस जी टू एन टू इक्वल टू जीरो। अब देखो जी प्रति अणु कांस्टेंट है तो ये लिखा जी वन और एन का हो गया डी एन वन, प्लस लिखा जी टू और डी एन टू इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन नंबर मैंने लिख दी, बी लिख दी। फिर बाद में बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण से, द्रव्यमान संरक्षण से टोटल अणुओं की संख्या एन इक्वल टू एन वन प्लस एन टू का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण क्या क्या कहता है कि इनकी संख्या हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी, इंटरचेंज हो जाएंगे वो एक अलग बात है। तो यहां से क्या आएगा आपका डी एन इक्वल टू जीरो, नियत का आकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। डी एन की जगह मैं क्या ले सकता हूं डी एन वन प्लस डी एन टू इक्वल टू जीरो, ठीक बात है। यहीं से आ जाएगा डी
एन टू इक्वल टू माइनस डी एन वन। समीकरण बी में रखने पर, बी में रखने पर आपको प्राप्त होता है, देखो समीकरण नंबर बी अपना यह था, यहां रखूंगा तो जी वन माइनस जी टू डी एन वन आपका बाहर आ जाएगा, दैट इक्वल टू जीरो। यह संख्या कभी जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो कौन होगा, यह होगा जी वन माइनस जी टू इक्वल टू जीरो, दैट इक्वल टू जी वन बराबर जी टू। यह प्रावस्थाओं के संतुलन की शर्त है। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि प्रावस्था एक और प्रावस्था दो के अंदर प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन का मान क्या है, बराबर होना चाहिए, तभी जाके दो प्रावस्थाएं क्या होंगी, संतुलन की स्थिति में होंगी। ठीक बात ना। इसको देखो ग्राफ के रूप में इस प्रकार से शो करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि प्रावस्थाएं अपने मुख्यतः तीन, ठोस द्रव गैस, ठोस और द्रव, ठोस व द्रव, जो प्रावस्था वक्र है उसको बोलते हैं गलन वक्र। क्या बोलते हैं, गलन प्रावस्था वक्र बोलते हैं, या गलन वक्र बोलते हैं, या मेल्टिंग कर्व बोलते हैं। ठीक बात ना। फिर बाद में आता है द्रव व गैस प्रावस्था के लिए, द्रव से गैस को बनने को बोलते हैं वाष्पन, तो ये वक्र कहलाता है, कौन सा कहलाता है, वाष्पन, वेपराइजेशन कर्व। ठीक बात ना। फिर कई बार क्या होता है कि ठोस से डायरेक्ट गैस भी बनती है, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ठोस और गैस की जो प्रावस्थाओं को शो करने वाला या संतुलन वक्र को दर्शाने वाला, संतुलन को दर्शाने वाला वक्र है, वो ऊर्ध्वपातन वक्र कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठोस व द्रव प्रावस्थाओं के संतुलन को दर्शाने वाला कर्व है वो क्या कहलाएगा, गलन या मेल्टिंग कर्व कहलाएगा। द्रव और गैस के लिए वाष्पन कहलाएगा, ठीक ऐसे ठोस और गैस के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कर्व कहलाता है। मैं इसको ग्राफ के रूप में इस प्रकार से शो करता हूँ। यहाँ पर लिया टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या ले लिया, पी यानी प्रेशर ले लिया। कोई भी आपका कर्व सपोज करो ये प्राप्त हो गया, कैसी डिजाइन है, यहाँ पर प्रावस्था एक है, मान लेते हैं यहाँ पर प्रावस्था क्या है, एक है, ठोस बोल दो, द्रव बोल दो, कुछ ही बोल दो, यहाँ पर प्रावस्था माना कि क्या है, दो है। इसको आप ऐसे समझना, इस साइड, इस कर्व के इस साइड में प्रावस्था नंबर फर्स्ट, इस साइड में प्रावस्था नंबर सेकंड, प्रावस्थाओं का संतुलन इस ग्राफ पे हो रहा है, तो इस ग्राफ पर आप क्या लिखोगे, जी वन इक्वल टू जी टू लिखोगे। यानी थोड़ी देर पहले अपने लिखा था कि दो फेजेज इक्विलिब्रियम में कब होते हैं, जब उनका जी वन और जी टू दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक बात है ना। अब बात आती है यहाँ पर, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ठोस और ये द्रव है, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, ये ग्राफ कहलाएगा गलन वक्र कहलाएगा। ठीक ऐसे ही अगर ये ठोस और ये गैस होती तो ऊर्ध्वपातन वक्र कहलाएगा। ठीक बात ना। अब बात आती है कि इस साइड में जी वन और जी टू, और इस साइड में जी वन और जी टू के बीच में क्या संबंध होगा। इस साइड में प्रावस्था नंबर एक संतुलन के अंदर है या स्थाई है, तो अपना जीवन क्या होगा, कम होगा। ठीक ऐसे ही इस साइड के अंदर प्रावस्था नंबर दो है, वो स्थाई है, संतुलित है, तो यहां पर जी टू का मान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि संतुलन वहीं पर होता है जहां पर जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक बात ना। तो इस प्रकार से देखो, यहां पर कोई इतना खास टॉपिक अपन ने किया नहीं है, लेकिन आगे के टॉपिक के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक बात ना। यहां पर एक ग्राफ खींचा है, इस ग्राफ को मैंने समझाने की कोशिश की है कि यह आपका ठोस द्रव हो सकता है, यह ग्राफ क्या है, अगर यह ठोस और यह द्रव है तो यह क्या कहलाएगा, आपका गलन कहलाएगा। ठीक ऐसे ये द्रव और ये गैस है तो यह आपका क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। ठीक ऐसे ये ठोस और ये गैस होती तो ये ऊर्ध्वपातन वक्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इससे आगे वाला एक टॉपिक आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा अपने एग्जाम की दृष्टि से और किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से। इसके अंदर जो कार्नो प्रमेय किया है उसको छोटे नोट्स के रूप में पूछ लिया जाता है प्राय। इस टॉपिक सेकंड वाले टॉपिक के अंदर प्राय आपको केस ध्यान रखना है, केस कौन सा, कि प्रावस्थाएं तभी संतुलित होते हैं जब उनका स्मॉल जी वन और जी टू दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक बात ना। और जहां पर संतुलित होते हैं उसी को प्रावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। थैंक यू।